अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हाँ तो ठीक है ना, क्या गलत बोलती है वो अपनी हाई फाई इंग्लिश में? ठीक बोलती है, कर लो शादी तुम लोग। क्यों क्यों नहीं कर रही हो शादी तुम? आयुष तुम्हें हो क्या गया है? क्या हो गया मुझे यार? अरे तो मैं पूछती हूँ क्या हो गया है तुम्हें? तुम क्या है तुम्हें शारु? तुम चाहती क्या हो? छोड़ो मुझे, मेरी छोड़ो, मैं क्या चाहता हूँ, तुम क्या चाहती हो? मैं क्या चाहती हूँ? हाँ फिलहाल तुम्हें यही चाहती हो कि तुम अपना मुंह बंद करो, क्योंकि तुम जो भी बोल रहे हो ना इससे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो क्या करूं मैं फिर शालू? क्या मुझे कैसे पता होगा और मुझे क्यों पूछ रहे हो कि तुम क्या करो? अरे क्योंकि लड़के मुझसे आके पूछ रहे तुम्हारे बारे में, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना है उन्हें यार। कौन पूछ? क्या कौन पूछ रहा? तुम्हें क्या जानना कौन पूछ रहा है और क्यों? मुझसे लड़के आके मुझे क्यों पूछ रहे हैं वो कि तुम्हारे बारे में, क्यों तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना है? लड़की मुझसे नहीं मैं मांग रहे यार। क्या करो शालू? दिक्कत क्या है? दे दो नंबर। क्या बोली ये? एक सेकंड क्या बोला तुमने? नंबर दे दू? नंबर दे दू किसी भी आएगा लड़की को? तुम्हारा पर्सनल नंबर दे दू? पर्सनल नंबर का मतलब समझते शालू? पर्सनल नंबर होता तुम्हारा पर्सनल, किसी भी आएगा लड़के को पर्सनल नंबर शालू क्या यार बोलो? पर्सनल नंबर शालू, पर्सनल नंबर। तुम्हें इतनी टेंशन दिखाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ नहीं लेकिन तुम्हें पर्सनल नंबर का आइडिया कोई भी लड़का? ओहो सुनो मेरी बात, क्योंकि तुम जिनको भी मेरा नंबर दोगे मैं उन्हें ब्लॉक कर दूंगी। तुम्हारी बकबक से तो बच जाओगी ना झल्ले कहीं के। मेरा मतलब है कि मेरा नंबर देने से मेरी लाइफ थोड़ी ना डिसाइड हो जाएगी, और अगर ब्लॉक नहीं तो फोन तो हाथ में होता है, किसी का कॉल आएगा तो कट कर लूंगी। अब अगर किसी लड़की ने तुम्हें किसी ने तुम्हें फोन किया और तुम्हें वो लड़का पसंद आ गया तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम? अच्छा मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी शालू? नहीं सही बात है, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, जो मर्जी करे। एक सेकंड, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी तो और किसी प्रॉब्लम होगी शालू? तुमने खुद को देखा, खुद अता बताया, तुम्हें दिमाग है, तुम्हें कुछ आइडिया भी है, तुम्हें समझ आता है कौन लड़का कैसा है, क्या है क्या नहीं है, कुछ दुनिया के बारे में पता है? नहीं पता तुम्हें शालू, तुम्हें नहीं पता, सच्ची में नहीं पता यार। अगर किसी ऐसे वैसे लड़के को पसंद कर लिया तुमने तो तुम्हारी सुई हमेशा टोपे की अटक जाती है आयुष, और नहीं करोगी ऐसे किसी को भी पसंद। अच्छा और आ गया तुम तो नहीं बोल रहा, ठीक है मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारी चॉइस शालू। नहीं जानते हो तुम, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं हमेशा कोई नमूना ही पसंद करूंगी? क्योंकि अच्छे लड़के पसंद कहाँ आते तुम्हें शालू? अच्छे लड़के तुम्हें समझ नहीं आते, जानता हूँ ना तुम्हें, तुम्हारी चॉइस जानता हूँ, कोई नमूना पसंद आ गया तो? तुम नमूने थे आयुष, मेरा मतलब ये है कि मैं समझती हूँ अच्छे और नमूने। नहीं है ना तुम्हें शालू यार शालू, तुम नहीं समझ दुनिया की कौन अच्छा है कौन नहीं है। ओके अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये अगर कोई ये फालतू का लड़का पसंद कर लिया तुमने और तुम्हें लगेगा कि ठीक है कोई बात नहीं आयुष आएगा वो बचा लेगा मुझे, तो मैं नहीं आने वाला, ठीक है? फिर नहीं आएगा आयुष बचाने के लिए तुम्हें। ओके ठीक है, एक आइडिया मेरे पास, ये जो भी तुम लड़का पसंद करोगे ना, तुम जो भी लड़का उसको तुम पहले मेरे पास लेके आओगे, मुझसे मिलवाओगे और फिर मैं बताऊंगा कि ये लड़का ठीक है कि नहीं है। हाँ तुम ये करना, मुझसे पास करवा लेना तुम वो लड़का, डन है? ओके कूल, हाँ ठीक है। कर रही हो शालू? मैं चेक करने की कोशिश कर रही थी कि तुमने कोई नशा तो नहीं किया है ना, टीवी तो नहीं है तुमने शालू? ना तुम ऐसी सारी बातें क्यों करते मेरे साथ? चिंता कर रहा हूँ मैं तुम्हारी शालू, परवाह मुझे तुम्हारे, तुम समझ नहीं रही हो यार। मत करो चिंता, मैं साल भी ठीक ही थी ना तुम्हारे पे, और अभी भी देखो तुम्हारे सामने हूँ सेम टू सेम खुश, इसलिए मेरी चिंता मत करो, क्योंकि मैं वैसे भी शादी नहीं करूंगी। Thank God. जब तक मुझे कोई अच्छा लड़का नहीं मिल जाता तब तक। I know शालू, but अच्छा लड़का मिलना भी तो चाहिए ना यार, अच्छे लड़के अब होते ही नहीं आजकल, तुम नहीं होते लड़के अच्छे आजकल, तुम समझ रही हो? सबको अपने जैसा समझ रखा है क्या?
मजाक ही समझना भूल गया ये। जब से इसकी शादी अनुष्का से हुई ना, तब से इसका सेंस ऑफ ह्यूमर ही चोरी हो गया। शालू वहीं जाती है जहां उसकी बड़ी बहन होती है। पर तुझे नहीं पता क्या, ये लोग जब गांव से आए थे तो लक्ष्मी के साथ ही तो टंग के आई थी शालू। हाँ, आगे बोल। और ये लक्ष्मी जब शहर छोड़ के गई, शालू भी पीछे पीछे टंग ली। अब लक्ष्मी वापिस आ गई तो शालू भी वापिस आ गई। सही कहा था उसने, जहाँ लक्ष्मी वहाँ वो शालू। अब लक्ष्मी यहाँ पे है तो वो शालू पे यहीं पे मंडराती रहेगी। दिख रहा है भाई, दिख रहा है। पर जो क्या किया तूने? ये बता, हम यहाँ लक्ष्मी को उठाने आए या किसी को मारने आए? बता। पता नहीं ये इडियट कहाँ पे। किरण आंटी तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, बड़ी तारीफ कर रही थी कि बलविंदर ये बलविंदर वो, तो कहाँ है ये बलविंदर? लक्ष्मी को लेके क्यों नहीं जा रहा? किसका वेट कर रहा है? खुद के पकड़े जाने का क्या? अब वो इडियट इस लक्ष्मी को लेके जाए तो मेरी भी प्रॉब्लम दूर हो। मैंने उसकी आंखों में शालू के लिए अलग ही फीलिंग्स देखी है। वो शालू के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। और ये फीलिंग्स ना किसी रिलेटिव या फ्रेंड के लिए नहीं होती है, ये फीलिंग्स सिर्फ उस लड़की के लिए होती है जिससे एक लड़का प्यार करता है, मतलब उससे प्यार करता है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये होने ही नहीं दूंगी। ऐसे सब कुछ अपने हाथ से निकलते हुए नहीं देख सकती, बिल्कुल भी नहीं। अनुष्का, क्या हो गया तुम्हें? तुम इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो, वो भी अकेली? आई नो, और बहुत परेशान दिख रही हो, हुआ क्या है? हाँ, मैं परेशान हूँ उस लक्ष्मी की वजह से। अब मैं उस लक्ष्मी को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर पा रही। लक्ष्मी? लेकिन अब उस लक्ष्मी ने क्या कर दिया? उसकी बहन है ना यहाँ पे। शालू की बात कर रही हो? हाँ, लक्ष्मी का यहाँ होना मतलब शालू का भी यही होना। और अब मैं उस शालू को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। पर हुआ क्या अनुष्का, कुछ कुछ किया है क्या उसने? हाँ नहीं, मेरा मतलब है अभी तक कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन हो सकता है ना। अगर मलिष्का भाभी के साथ इतना सब कुछ हो सकता है तो मेरे साथ क्यों नहीं? आयुष मेरे हाथ से निकल जाएगा जैसे ऋषि भाई मलिष्का भाभी के हाथ से निकल गए। कुछ कहा तुमने? मलिष्का? कुछ बोला तुमने तो बोलो, आ गई हूं मैं। बोलो क्या बोलना है, सामने बोलो, पीठ पीछे नहीं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।